इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। आइए जानते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी में वृद्धि 7-8 पर अपना विजन दस्तावेज दृष्टि पत्र जारी किया है। अन्य संबंधित तथ्य, यह विजन दस्तावेज वैश्विक मूल्य श्रृंखला GVC में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अवसरों और ध्यान देने वाले मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। साथ ही यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण करने पर भी जोर देता है। यह MEITY के विजन 1000 दिन का एक हिस्सा है। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के लिए $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का अवलोकन, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए संभावनाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अगले 3 से 5 वर्षों में भारत के शीर्ष निर्यातों में से एक बनने की संभावना है। सकल घरेलू उत्पाद के तहत हिस्सेदारी में वृद्धि करना, भारत निकट भविष्य में अपने सकल घरेलू उत्पाद में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य बना रहा है। बढ़ती मांग, MEITY के अनुसार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की मांग वर्ष 2009 में $45 बिलियन थी। यह बढ़कर वर्ष 2020 में लगभग $400 बिलियन हो गई। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति NPE 2019, इसके तहत वर्ष 2025 तक $400 बिलियन के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित विजन से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। निर्यात के उभरते नए गंतव्य, भारत द्वारा उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि जैसे विशाल संभावनाओं वाले नए बाजारों को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं हेतु निर्यात गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है। निवेश हेतु आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत, चीन में विनिर्माण और श्रम की तेजी से बढ़ती लागत के कारण भारत को निवेश हेतु आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है। अवसंरचना पर मुख्य ध्यान, भारत में विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स तथा अवसंरचना के साथ 200 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर EMCS 7-9 स्थापित किए जाने हैं। इस क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ, उत्पादन और विनिर्माण पर कम ध्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स के वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में बाजार के आकार के अनुसार भारत की हिस्सेदारी मात्र 1 से 2% के बराबर है। अवसंरचनात्मक अंतराल, विद्युत की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी भौतिक अवसंरचना का अभाव है। आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक संबंधी बाधाएं, इसमें उच्च परिवहन लागत, कच्चे माल की उच्च लागत और अकुशल परिवहन के कारण आने वाली कठिनाइयां शामिल हैं। व्यापार संबंधी बाधाएं, उच्च आयात शुल्क, अतिरिक्त राज्य स्तरीय कर और उल्टी शुल्क संरचना 8-0 आदि व्यापार के संबंध में बाधा उत्पन्न करते हैं। आयात पर अत्यधिक निर्भरता, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और लगभग सभी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों की मांग के 65% की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है। आपूर्ति मांग में अपेक्षित अंतर, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का अनुमानित उत्पादन वर्ष 2020 तक $104 बिलियन था, जबकि मांग $400 बिलियन थी। वैश्विक अभिकर्ताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा, इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखला के भौगोलिक संकेंद्रण से पता चलता है कि भारत को अधिकांश प्रतिस्पर्धा चीन और वियतनाम से मिल रही है। आगे की राह, अवसंरचना में सुधार, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग एक विनिर्माण उद्योग है,
अतः इसके लिए अनिवार्य अवसंरचना, अत्याधुनिक तकनीक की आपूर्ति, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति आदि सुनिश्चित करना आवश्यक है। मूल्य श्रृंखला को युक्ति संगत बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों, उत्पादों और संपूर्ण उत्पाद श्रृंखलाओं का स्वदेशी स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कच्चे माल की लागत, करों के प्रावधान, शुल्क और अन्य बाधाओं पर विचार किया जाना चाहिए। विजन दस्तावेज में इस बात की सिफारिश की गई है कि विनिर्माताओं को किसी भी अन्य देश पर निर्भरता को कम करते हुए विनिर्माण क्षमता, तैयार उत्पादों, उपसंयोजनों और घटकों के लिए को भारत में स्थापित करने हेतु 1 से 4 वर्षों की अवधि के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या संयुक्त उद्यम जैसे विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। व्यापार बाधाओं को दूर करना। वैश्विक मूल्य श्रृंखला को आकर्षित करने के लिए खुले व्यापार और निवेश नीतियों की आवश्यकता होती है। प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क बाधाएं निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इनपुट पर लगने वाले प्रशुल्क, टैरिफ पे कमी करना, विनिर्माताओं की लागत को कम करने और उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना का समर्थन करने के लिए प्रशुल्क की दर को कम करने के साथ साथ उल्टे प्रशुल्क संरचना को समाप्त कर प्रशुल्क को युक्ति संगत बनाना होगा। निर्यात में वृद्धि। भारत को व्यापार संचालन को बढ़ाने में प्रमुख कंपनियों की सहायता के लिए और क्षेत्रीय व्यवसायों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग लेने योग्य बनाने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और निर्यात केंद्रों को मजबूत करना चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMES को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र में विकास को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न MSMES को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुसंधान और विकास में सुधार करना। प्रत्येक केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय के तहत एक समर्पित पद स्थापित करना चाहिए जो कुशल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कार्यबल तैयार करने हेतु उद्योग अकादमिक के मध्य परस्पर संबंध, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में प्रशिक्षण तथा विकास में सुधार के लिए उत्तरदायी हो। विजन IAS मासिक करंट अफेयर्स मैगजीन डाउनलोड करने के लिए लिंक पर जाएं।